आसान क्वेश्चन था, एक कॉन्सेप्चुअल था। चलो ये देखो, मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए डिस्क का मास एम रेडियस आर अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज टेंजेंशियल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द डिस्क एंड पैरेलल टू द डायमीटर। ऐसा क्वेश्चन काफी किए होंगे, इट इज वन ऑफ द, इसको मैं इजी क्वेश्चन बोलता हूँ। अगर एक डिस्क है, ठीक है, अब डिस्क है समझना, डिस्क के एक्सिस कहाँ, व्हिच इज टेंजेंशियल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द डिस्क एंड पैरेलल टू द डायमीटर। डायमीटर के पैरेलल टॉप व्यू देखोगे तो ये डिस्क है, ठीक है। अब ये डिस्क के पैरेलल इस एक्सिस पर रोटेशन होगा और ये डायमीटर हो गया। टॉप व्यू सामने से देखोगे तो इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, समझाऊं। देखो यहाँ पे डिस्क, ठीक है, ऐसे जैसे ये बुक है, तो इस बुक पे अब यहाँ ये डिस्क है, ठीक है, तो डिस्क के टेंजेंशियल दो डायमीटर है, जिसके ये डिस्क है, एक है डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर और एक डिस्क के प्लेन में जो कि डायमीटर के पैरेलल है, ठीक है। तो इस हमें इस वाले एक्सिस पे चाहिए जो कि डायमीटर के पैरेलल है, ये वाला, ठीक है। चलो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। आपको डिस्क के डायमीटर पे याद है, डायमीटर पे रिंग के डायमीटर पे याद है, रिंग के खुद के एक्सिस पर एम आर स्क्वायर होता है, डायमीटर पे एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, तो डिस्क का आधा होता है डिस्क के डायमीटर पे होता है एम आर स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, डिस्क के डायमीटर पे एम आर, और ये डिस्टेंस आर हो गया। तो इस वाली एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर, आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ आईसीएम। तो इस वाले पे आईसीएम कितना आ जाएगा भाई, आईसीएम पहले से एम आर स्क्वायर बाई फोर, सेंटर ऑफ मास से जाता हुआ, ठीक है, और प्लस मास और डायमीटर आर का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि आ जाएगा 5 mr² बाई 4, ठीक है, समझ रहे हो ना। डायमीटर पे लिख लिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिए, तो 5 mr² बाई 4, दैट इज ए ऑप्शन सही है इसका।